हेलो दोस्तों, आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी। वीडियो को पूरा देखिएगा, रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बनाते हैं। अब गैस में एक पैन रखेंगे, गैस को ऑन करके मीडियम फ्लेम में कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे तेल 2-3 चम्मच के आसपास। तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे एक प्याज बारीक कटा हुआ, दो हरी मिर्च डाल देंगे, आधा इंच का अदरक का टुकड़ा कद्दूकस किया हुआ। अब प्याज को थोड़ा सा भून लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, थोड़ा सा कलर बदल जाए बस उतना ही भूनेंगे। अब प्याज थोड़ा सा भून गया है, कलर बदल गया है, अब इसमें कुछ मसाले डाल लेंगे। 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच से कम लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब ये थोड़ा सा मिक्स हो गया है, अब इसमें डालेंगे 200 ग्राम पनीर, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। गैस को इस समय लो मीडियम फ्लेम में कर लेंगे। 2-3 चम्मच के आसपास डाल देंगे भुने मूंगफली के दाने, थोड़े से हरे धनिया के पत्ते, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। अब सारी सामग्री को मिक्स करते हुए 5 मिनट भून लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, पनीर अच्छे से भून गया है। अब गैस को ऑफ कर देंगे, इसको पूरी तरह से ठंडा होने देते हैं, तब तक बाकी की तैयारी कर लेंगे। ये मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है, कप से नाप लिया है, आप चाहें तो अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, 1/4 चम्मच से कम अजवाइन, 1 टेबल स्पून तेल डाल देंगे। अब पहले इसको हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे मोयन पूरे में पहुंच जाए। इस तरह से मसालते हुए मिक्स करना है। अब मोयन अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसमें पानी डाल के आटा गूंथ लेंगे, पूड़ी की तरह टाइट गूंथना है। आटा अच्छे से गूंथ गया है, अब इसको इसी तरह छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, जिससे आटा अच्छे से सेट हो जाए। ढक देते हैं। 10 मिनट हो गए हैं, आटा को देख लेते हैं। अब थोड़ा सा दोबारा से गूंथ लेंगे। अब इनकी लोई बना लेते हैं, इस तरह से छोटी छोटी लोई बना लेंगे। अब थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे, इसमें लोई को डीप कर लेते हैं, थोड़ा सा इस तरह से हाथ से बढ़ा लेंगे। अब इसको बेल लेंगे। अब इसको पूड़ी जैसे बेल लेना है, बहुत पतली नहीं करेंगे, थोड़ी सी मोटी ही रखेंगे। अब ये देखिए, ये बेल के तैयार हो गई है। अब इसको बीच से काट लेंगे। अब ये फिलिंग ठंडी हो गई है, इनको उठा लेते हैं जिससे चिपके नहीं। अब फिलिंग को 1 चम्मच रखेंगे इस तरह से। बीच में कर लेते हैं, थोड़ा सा दबा देंगे इस तरह से। अब इसमें लगाएंगे पानी साइड साइड। इसमें भी लगा लेते हैं। अब इधर से उठाएंगे, इसको बंद कर देंगे। बिल्कुल समोसे जैसा आकार देना है, थोड़ा सा दबा देंगे जिससे निकले नहीं। अब ये देखिए, अच्छे से दब गया है, अब इसको उठा लेंगे। अब इस तरह हाथ से दबा देते हैं, अच्छे से दबाना है जिससे खुले नहीं ये। अब थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे,
अब पूरे में सूखा आटा लग गया है। अब इसको रख करके थोड़ा सा दबा देंगे जिससे इसकी फिलिंग जो एकदम बराबर हो जाए। ये देखिए अभी अच्छे से बंद हो गई है। अब इसको रखेंगे एक प्लेट में, इसी तरह इसको बना लेंगे। बस अच्छे से दबाना है कि ये पॉकेट खुले नहीं। अब ये देखिए दूसरी भी बन गई। अब इसी तरह सारी बना के तैयार कर लेंगे। चलते हैं गैस की तरफ, सेकते भी जाएंगे। अब पैन में तेल रखेंगे गर्म होने को। गैस को ऑन करके मीडियम फ्लेम में कर लेते हैं। तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है, अब नाश्ता को डालेंगे। थोड़ा सा पकने देंगे, उसके बाद पलटेंगे। अब इनको पलट लेते हैं। इनको थोड़ा सा धीरे धीरे आंच में ही सेकना है जिससे अंदर तक क्रिस्पी हो जाए। पनीर का ये नाश्ता बहुत टेस्टी लगता है। एक बार मेरे तरीके से आप भी ट्राई कीजिएगा, शायद आपको भी पसंद आए। अब इधर भी पकने देते हैं। अब फिर से पलट के देख लेंगे। इनको दो तीन बार पलट पलट के गोल्डन होने तक सेक लेना है। अब दोनों तरफ अच्छा कलर आ गया है। अब इनको बाहर कर लेते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा कर लेंगे जिससे एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। इनको आप अपनी मनपसंद चटनी या फिर चाय के साथ लीजिए, खा के मज़ा आ जाएगा। चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।